नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है नमक। यदि खाने में नमक ना हो तो वह खाने का टेस्ट ही बदल देता है, या फिर कहें कि खाने को बेस्वाद बना देता है। यदि आपकी जिंदगी में भी थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो आपकी जिंदगी को भी वह नमकीन से मीठा या फिर थोड़ा सा खटास भरा बना देता है। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उसे भी दूर करने के लिए भी एक चुटकी नमक बहुत कमाल की चीज है। यदि आप उसे उपयोग करते हैं तो वह आपके घर से नकारात्मक को दूर कर देती है। यदि आपके घर में बहुत समय से लंबे बीमारी चल रही है और वह बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वह जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने का कोई ना कोई रीजन मिल जाता है जिसकी वजह से आपके घर में कलेश तप हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इन चीजों से जल्दी निजात पाना, एक चुटकी नमक अपनी पोछे की बाल्टी में जरूर डालें और उससे ही अपने घर में साफ सफाई करें। यदि आप रोज नमक का पोछा अपने घर में लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़े काफी हद तक कम हो जाएंगे। यदि रोज संभव ना हो तो आप मंगलवार को पोछा जरूर लगाएं। हम अक्सर देखते हैं कि नमक को हम किसी भी पात्र में रख देते हैं या फिर किसी भी बर्तन में रख देते हैं। आपको यह देखना है कि नमक किस पात्र में रखा है। यदि नमक लोहे के किसी बर्तन में रखा है तो आप उसे जल्दी ही निकाल दीजिए। आप उसे लोहे के बर्तन से निकाल के प्लास्टिक के डब्बे में या फिर कांच के डब्बे में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में लड़ाई झगड़े काफी हद तक कम हो जाएंगे। हमने अक्सर देखा है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें वह सफलता हासिल नहीं होती जिससे वह हमेशा कोशिशों में लगे रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता हमेशा आपको मिले, तो उसके लिए आप उस पात्र में जिसमें नमक रखा है उसमें लौंग या फिर काली मिर्च डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति रहती है और आपके उस सफलता भी जरूर मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक दूर हो जाए और आपके घर में हमेशा प्यार जैसा माहौल रहे, तो उसके लिए नमक का पोछा इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी सावधानियां भी हैं। यदि आप नमक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और नमक का इस्तेमाल करने के लिए आप सीधा उसका उपयोग करते हैं, तो वह भी बेकार माना जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है यदि सब्जी में नमक कम हो जाए और नमक कम होने की वजह से थोड़ा सा नमक डाला है, तो उसके लिए आप सीधा हथेली पर ही नमक रख देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप हथेली पर नमक रखते हैं उससे आपके और आपने जिसके भी हथेली पर वह नमक रखा है उसके बीच में लड़ाई हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि उसकी हथेली पर बिल्कुल भी नमक न रखें। यदि आप नमक को बेकार करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि प्लेट में नमक रख दिया जाता है और यदि नमक सब्जी में ठीक है तो वह नमक ऐसे का ऐसा ही रखा रहता है और फिर उसे बर्तन धोने के टाइम पर उसे फेंक दिया जाता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा कार्य ना करें। यदि सब्जी में नमक कम है तो उसी समय मांगने पर उन्हें दीजिए। ऐसा रखने पर वह चीजें बेकार हो जाती हैं और वह यूजफुल नहीं रहती हैं और वह नमक बेकार जाने की वजह से आपके घर में नकारात्मक हमेशा रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाए, तो नमक का इस्तेमाल के साथ साथ उसकी सावधानियों को ध्यान से जाने। यदि आपको सावधानियां भी पता हो और उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये भी आपको पता हो, तो उसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक दूर हो जाएगी और नकारात्मक दूर होने की वजह से आपके घर में सकारात्मक आ जाएगी, जिससे आपके घर में प्यार भरा माहौल रहेगा। तो ये है नमक का इस्तेमाल। यदि आप सही तरीके से चुटकी भर नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वह आपके घर में जिंदगी में रोशन भर सकता है। तो ये है वह तरीका यदि आप अपने घर से नकारात्मक को दूर कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।